सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। बसपा ज्वाइन करने के बाद राजकिशोर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उनकी तलखी इतनी रही कि उन्होंने सपा प्रमुख को गुमराह करने वाला कह दिया। पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई और प्रतिशोध में राजकिशोर सिंह एक बार फिर अपने राजनीतिक पुराने घर में वापसी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी में मैं था, मुलायम सिंह जब तक थे तब तक समाजवादी पार्टी थी, और मुलायम सिंह के जाने के बाद समाजवादी पार्टी केवल एक जान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर केवल रह गई है। बाकी समाजवादी पार्टी का न तो कहीं प्रदेश के कोने कोने में घूम लीजिए देख लीजिए, कोई लगाव आज के डेट में समाजवादी पार्टी से नहीं है किसी। सारे लोग ये जानते हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश और देश में राज करेगी। कभी राजनीतिक जो बड़ी पर्सनालिटी हो, जिसको लोग जो जिसके नाम से पार्टी चलती हो, वो आदमी जब कहीं झूठ बोले तो उससे ज़्यादा हम जानते हैं कमी उस पार्टी में कुछ नहीं। मुखिया ही जब गुमराह करे और जो अपने पार्टी में लोगों को गुमराह करता हो, जो लोगों को खंड खंड इधर से उधर तोड़ता हो, तो सौभाग्य।